नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल की बैटरी के बारे में। दोस्तों मोबाइल की बैटरियां जो होती है अक्सर कंपनियां उसको मिली एम्पियर आवर्स, दोस्तों जो मोबाइल की या कोई भी बैटरी होती है उसको एम्पियर आवर्स में उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी कितनी क्षमता है उसको मिली एम्पियर आवर या फिर एम्पियर आवर में नापा जाता है। दोस्तों एम्पियर आवर जो बड़ी बैटरियां होती है उसको एम्पियर में, और मिली एम्पियर मतलब मिली का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ से जो उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एम्पियर उससे 1000 गुना कम, मिली एम्पियर आर। जैसे अगर 1 mAh की बैटरी है तो उसको हम 1 mAh भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर हम जो अपनी कॉमन जो बोलचाल की भाषा है उसमें मिली एम्पियर आर या mAh में ही बोलते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कीजिए। कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने mAh देखा होगा, मोबाइल के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि उनकी मोबाइल के अंदर इतने mAh की बैटरी लग रही है, 5000 mAh की बैटरी लग रही है, 10000 mAh की बैटरी लग रही है। ऐसा लगता है उसको देख के कि उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती होगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वे अपनी बैटरी की कैपेसिटी तो लिख देते हैं लेकिन उस अपने मोबाइल का जो है वो जो कंजप्शन होता है, जो उसके अंदर जो करंट का कंजप्शन होता है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिखी होती। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है, मोबाइल के अंदर जो करंट का कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। अगर आप उसको फ्लाइट मोड पर रख दोगे तो बहुत कम बैटरी लेगा, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दोगे तो भी वो बैटरी खाता है दोस्तों, थोड़ी सी बैटरी बिल्कुल लेगा ही लेगा। अगर उसको बिल्कुल स्विच ऑफ करके आप रख दोगे और 2-3 महीने के लिए रखा रहेगा तो भी आप देखोगे नेचुरली बैटरी जो है अपनी थोड़ी सी जो चार्जिंग है ना वो लॉस करती ही है वक्त के साथ, क्योंकि उसका जो केमिकल जो होती है बैटरी के अंदर वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को लॉस करते ही है। अगर हम उसको फ्लाइट मोड पे लगा देंगे तो फ्लाइट मोड में भी दोस्तों उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा जो अगर हम कंजप्शन की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो होता है मोबाइल के अंदर वो उसके स्क्रीन चलने पे और नेटवर्क से होता है। अगर हम 4G डेटा के साथ अपने जो HD स्क्रीन में फुल ब्राइटनेस करके चलाएंगे तो सबसे ज़्यादा वो उसमें से बैटरी को ड्रेन करेगा। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, अगर हमारी 5000 mAh की बैटरी है, अगर हमारी बैटरी 5000 mAh की है और मान के चलो हम कुछ इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो 5000 mAh की ही मिली एम्पियर की ही जो करंट को वो कंज्यूम कर रहा है मोबाइल, तो दोस्तों वो बैटरी 1 ही घंटे में ड्रेन हो जाएगी पूरी तरीके से। इसी तरीके से अगर हम 2500 mAh का अगर हम जो अपने मोबाइल को चला के जो हम 2500 mAh अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी 2 घंटे चलेगी। दोस्तों इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हम इसका एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं लगा सकते एक्चुअली वो चलेगा कितना, क्योंकि दोस्तों अलग अलग अगर हमारी उसका जो ग्राफ होता है जो कंजप्शन का ग्राफ होता है जो मोबाइल के कंजप्शन के कितनी बैटरी खा रही है मोबाइल, तो उसका ग्राफ जो है दोस्तों अप एंड डाउन ज़्यादा रहता है, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो। अगर हमारा मोबाइल गर्मी की जगह पे रखा हुआ है तो उसका कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, ठंड की जगह पे रखा हुआ है तो कंजप्शन थोड़ा कम होगा। अगर हमने कोई पर्टिकुलर फंक्शन को ऑन नहीं किया है तो कंजप्शन थोड़ा कम होगा। अगर बहुत सारे फंक्शंस को ऑन कर लिया है, मोबाइल को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, प्रोसेसर को बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, 4G डेटा भी आ रहा है, ब्लूटूथ से भी कुछ हम काम कर रहे हैं और हमने जो अपना नेटवर्क का भी बार बार चेंज कर रहे हैं, मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं नेटवर्क बार बार चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ता है। दोस्तों इस तरीके से हम एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट अनुमान लगाने के लिए आपको खुद चलाना होगा, खुद चला के उसको आइडिया देखना होगा कि कौन सी बैटरी कितनी देर तक चलती है। दोस्तों उसकी चार्जिंग का भी विशेष महत्व है। दोस्तों आजकल फास्ट चार्जर आ गए हैं मार्केट में, उससे बैटरी बहुत जल्दी चार्ज भी हो रही है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी लिखा हुआ देख लो कि ये मोबाइल जो इतने mAh की बैटरी है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी। अगर एक 2500 mAh की बैटरी है और एक 5000 mAh की बैटरी है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2500 mAh की बैटरी जो है वो आधी चलेगी 5000 mAh की बैटरी से, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उस मोबाइल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी कौन सा लगा हुआ है, ताकि हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी मोबाइल के बारे में। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1000 mAh की बैटरी जो है उस मोबाइल की ज़रूरत ही 1000 mAh की है, वो उसमें भी 1 हफ्ता निकाल दे, और एक 5000 mAh की या 10000 mAh की भी अगर कोई बैटरी है वो हो सकता है 7 घंटे भी ना निकाल पाए, तो इन दो बैटरियों के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।